अस्सलाम वालेकुम, आई सेम किचन में आपका स्वागत है। आज हम सूजी के अप्पम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम सूजी ली है और एक कप हमने दही लिया जो हम इसमें ऐड कर देंगे। बाकी के हमने सारी चीज़ें, एक डल्ली प्याज के लिए, एक शिमला मिर्च लिए, धनिया पत्ती लिए है, दो टमाटर लिए हैं, दो हरी मिर्ची ली, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर ली। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। इसमें आप जो चाहें वेजिटेबल सब डाल सकते हैं, कॉलीफ्लावर डाल सकते हैं, मटर के दाने डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक करके। बैटर हमारा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें राई जीरे का बघार भी दे सकते हैं ऊपर से कड़ी पत्ता डाल के, या आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। मैं इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, फिर उसके बाद हम बनाते हैं। ब्रश से हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा खाने का सोडा ऐड करेंगे, 2 पिंच के बराबर। आप चाहें तो इसमें फ्रूट सॉल्ट भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला के बैटर डाल देंगे। देखिए अब हम इसमें हमारे बैटर डालते जाएंगे। अब हम इसको कवर करके रखते हैं। चेक करते हैं। एक तरफ से सूख चुके हैं। इसी तरह हम सारे पलट लेंगे। देखिए हमने सारे पलट लिए। अब इसको भी कवर करके रखते हैं, फिर चेक करते हैं हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। चेक करते हैं दूसरे साइड से भी हमारे हो गए होंगे। नहीं हुआ अभी इसको में। हो गए, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमारे सारे कंप्लीट हो गए। इसी तरह हम
दूसरी बार भी डाल देंगे सारे अपन। देखिए दूसरी बार भी हमने इस तरह इसमें डाल दिए। अब इसको भी कवर कर देंगे 5 मिनट। टाइम देखा 5-5 मिनट में हमारे दो तरफ से अलट पलट कर रहे हैं। देखिए हमारे अपम तैयार हैं, बहुत लाइट वेट है, खाने में भी बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे, क्विक एंड ईजी बनने वाले हैं। आप चाहे तो मॉर्निंग में स्नैक के तौर पर बना लें, शाम में इवनिंग में भी बना सकते हैं, जैसे चाहे बना सकते हैं। खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी। आप चाहे जितनी सब्जियाँ इसमें डाल सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं हमें आपको हमारी वीडियोस कैसे लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।